हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पम्मी, पम्मीज लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मिलवाती हूँ मेरी तीन बदमाशों से, और ये है मिठू। और ये बहुत बोलती है दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे मतलब आवाज़ें निकालती है। और ये है चिकू, जो सावन का महीना है और झूला झूल रहा है। झूला इसके अंदर ही है पिंजरे के, और ये झूल रहा है। देखिए कितने नज़ारे ले रहा है ये। तो दोस्तों, ये मेरे पास है तीन पैरट, और मैं एक्चुअली मैं ये लिए थे इनको उड़ाने के लिए, क्योंकि ये कोई बच्चा बेच रहा था तो मैंने तीनों ले लिए थे उनसे। तो ये तो दो बिल्कुल ही छोटे थे, और मिठू तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी है जो बोलती है। अब ये देखती है मिठू, इसने कटोरी पलट दी है चादर के ऊपर ही, और चादर के ऊपर ही बैठ के दाने खिंडा के खाने लग रही है। तो दोस्तों, ये बहुत बदमाश है। ये तो थोड़ा सा बड़ी है, और वो दो तो बच्चे ही थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, मैंने उड़ाने के लिए लिए थे, तो अब ये देखना कैसे बोलेगी। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो फटाफट बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए मिठू क्या बोल रही है। तो ये देखिए दोनों, चीकू और मिष्टी। और मिष्टी को तो दोस्तों मैंने उड़ा दिया है, मिष्टी बिल्कुल ठीक थी और ये उड़ने के लायक हो भी गई थी, तो एक दिन मैंने इसको उड़ा दिया है। ये उड़ाने से पहले की पिक ली हुई है, मैंने वीडियो बना रखी है। और ये है मिठू, इसके नीचे पर्दे के नीचे काफ़ी सारा सामान पड़ा है, जैसे कि साबुन तेल वगैरह, और ये सारा कुछ खिंडा देती है, इसीलिए इसके ऊपर पर्दा कर रखा है। और ये मैंने नहला दिए थे, ये तीनों, एक बदमाश तो ऊपर बैठा है और दो इसके अंदर है। और ये देखिए बाहर वाला पैरेट इनको मिलने आया है। ये अपनी भाषा में कोई बात कर रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आती, पर इनको समझ में आती है। और ये एक पैरेट नहीं है, ये तीन चार पैरेट है जो इनको लगातार मिलने आते हैं। या तो ये इनको बाहर बुला लेते हैं, या ये बुला लेती है, चीके मार मार के बोल बोल के उनको बुला लेती है। और ये हर रोज़ मिलने आते हैं, और एक चिड़िया भी आती है, मैं अभी दिखाती हूँ, वो भी आएगी, अभी दिखाती हूँ मैं उसको भी, वो चिड़िया भी इनको मिलने आती है। तो इन्होंने काफ़ी सारे दोस्त बना रखे हैं। तो दोस्तों, वो बच्चा जो बेचने आया था इनको, तो मैंने उससे ले लिए थे ये तीनों ही। मैंने सोचा थोड़े से बड़े होंगे तो उड़ा दूँगी, एक को तो मैंने उड़ा दिया है, और चीकू का थोड़ा सा पंख उसमें लग गया था पिंजरे इसमें पंखे में, तो वो थोड़ा सा मतलब उसका वूंड अभी ताज़ा है, वैसे तो ठीक है, और थोड़ा सड़ा उड़ पाता है। डॉक्टर ने तो कहा था इसका पंख काटना पड़ेगा, पर मैंने काटने नहीं दिया, काफ़ी पहले से काफ़ी हद तक ठीक है। और अब मैं इनको, इसके जिससे मैंने लिया था ना, मेरे को नहीं पता था, इसके पंख पहले ही कट चुके थे, इसके काट दिए थे उन्होंने, ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती, तो इसीलिए दोस्तों मैंने इन दोनों को नहीं उड़ने दिया, ता जो ये कोई बिल्ली कुत्ता ना पकड़ ले। और ये देखिए हेयर बैंड उठा लाया है, और उसके साथ करतब दिखा रहा है। ये है चीकू, देखिए इसका एक फर के ऊपर थोड़ा सा ये वूंड है, और अभी इसके ऊपर बीटाडीन वगैरह लगा के मैं थोड़ा सा ठीक कर रखा है, ये अब थोड़ा सा उड़ पाता है। और ये देखिए चीकू और मिष्टी, और ये ऊपर वाली मिष्टी है, और मैंने मिष्टी को उड़ा दिया है तीन चार दिन पहले, ये उड़ गई है और दोबारा नहीं आई है। तो ये बहुत शरारती थी, और ये मतलब कोई चीज़ नीचे तो छोड़ती नहीं है। और ये देखिए दोनों, ये देखिए मिष्टी करतब दिखा रही है, मैंने पहले का वीडियो ले रखा है, सबसे ज़्यादा शरारती यही थी, और मैंने इसको उड़ा दिया, क्योंकि पंछी तो आज़ादी घूमते हैं, इनकी आज़ादी हम क्यों छीने। और ये देखिए ये बाहर वाला तोता भी मिलने आया फिर इनको। अरे दोस्तों, पक्षियों की आज़ादी क्यों छीने हम। अब वो दोनों थोड़े से मतलब इस तरह के हैं, भी उड़ नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा बिल्ली कुत्ता ना खा जाए, इसीलिए मैंने उनको नहीं उड़ाया, और एक को मैंने आज़ाद कर दिया। इनको जैसे ही इनके पंख आते हैं और मैं उड़ा दूँगी। ये देखिए गुड़िया ना आके आई थी, और ये इसके सिर के ऊपर चढ़ के बैठ गया, अपने करतब दिखा रहा है ऊपर बैठा। तो अच्छा लगता है दोस्तों पक्षियों के साथ बातें करना, मतलब उनके साथ खेलना। तो ये देखिए मिठू कैसे बोलेगी। बहुत प्यारा बोलती है मिठू, तो इस
से बातें करने और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे पहले ही हैं वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नए हैं जल्दी से बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों ये कैसे लगे मेरे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों खुश रहिए, पी ही